लियोनार्डो दा विंची। हम आपको बताएंगे धरती के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ रोचक बातें, तो ध्यान से अंत तक देखते रहें। लियोनार्डो दा विंची जोलक जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। लियोनार्डो दा विंची एक महान कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक थे जिन्हें मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। विंची का जन्म 1452 में इटली के विंची शहर में हुआ था। इनके पिता एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। इनकी कई पत्नियां थीं। 14 वर्ष की उम्र में विंची को उस समय के प्रसिद्ध कलाकार बोरोकियो के पास एक छात्र के रूप में भेज दिया गया था। यहाँ पर उन्होंने चित्रकारी, पेंटिंग सहित कई चीजों में शिक्षित हुए। और हाँ, विंची किसी भी शब्द को उल्टा लिखने में बहुत ही माहिर थे। विंची को विश्व के महान चित्रकारों में से एक माना जाता है। वह चित्रकारी, पेंटिंग और मूर्तिकारी समेत कई कलाओं में निपुण थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक ही समय में लिख सकते थे और दूसरे हाथ से चित्रकारी कर सकते थे। आज उनके द्वारा बनाए गए चित्र अधिक से अधिक गायब हो चुके हैं, लेकिन विंची अपने समय में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बन चुके थे। द लास्ट सपर और मोनालिसा से आप भली भांति परिचित होंगे, जो विंची की दो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंगों में से एक माना जाता है। विंची अधिकतर उन्हीं चीजों की पेंटिंग बनाते थे जिसका वो खुद अध्ययन करते थे, जैसे विज्ञान और मशीनों से जुड़े तथा जीवों के आंतरिक संरचना से जुड़े चित्र। विंची द्वारा बनाया गया खुद का चित्र और उड़न मशीन उस समय काफी ही प्रसिद्ध हुआ था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि विंची ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उड़ने वाली मशीनों और युद्ध के हथियारों को भी डिजाइन किया था। विंची ने ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर, पैराशूट और हवाई जहाज को कागज पर उकेरा था। इन्होंने ही पहली टैंक और रिपेंटिंग राइफल भी डिजाइन किया था। वो सिविल इंजीनियरिंग में भी काफी रुचि रखते थे। एक पेंटिंग में उन्होंने एक नदी पर झूलते ब्रिज को बनाया था। अब आप जानकर चौंक जाएंगे कि कैंची का आविष्कार भी विंची ने ही किया था। विंची शरीर विज्ञान में भी काफी रुचि रखते थे। उन्होंने मानव शरीर के बाहरी और आंतरिक चित्रकारी भी किए। और बात यहीं तक नहीं रुकती, विंची घोड़े, बंदरों और मेंढकों, गायों और अन्य कई जानवरों की में भी काफी रुचि रखते थे। लियोनार्डो दा विंची शाकाहारी थे। वो बाजारों से बंद पिंजरों के जानवरों को खरीदते और उन्हें खुले आसमान और जंगलों में छोड़ देते थे। इससे हमें पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही भले मानुष थे। इनके द्वारा बनाया गया एक चित्र विर्टियन मैन इटली के करेंसी सिक्कों पर भी अंकित है। बिल गेट्स ने इनकी पुस्तक कोडेक्स लेसेस्टर को $3 करोड़ में खरीदा था, जिसके कुछ पन्नों को विंडो 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में भी प्रयोग किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल का भी डिजाइन विंची ने किया था। आज के ज्ञान में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल एक नए मानुष के साथ कुछ रोचक बातें। तो चेंज योर लक जीरो से हीरो में आपका स्वागत है।